जल्द ही देश और प्रदेश के बाजारों में हिमाचली सेब से बिना सिरका उपलब्ध होगा। शिमला क्षेत्र के जुब्बल की एक कंपनी ने डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा विकसित सेब का सिरका बनाने की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए विश्वविद्यालय के साथ नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्वविद्यालय की खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर वी के जोशी और डॉक्टर अंजु धीमान ने डीएसटी प्रायोजित परियोजना के तहत इस प्रौद्योगिकी को परम्परागत तरीकों की जगह पर एक तेज और प्रभावी विकल्प के रूप में विकसित किया है। यह तकनीक बाजार में न बिकने वाले खराब क्वालिटी सेब से सिरके के उत्पादन में मददगार होगी और राज्य में कृषक समुदाय की आजीविका में सुधार लाने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। जुब्बल की कंपनी हिली फूड्स ने हाल ही में विश्वविद्यालय के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और प्रौद्योगिकी शुल्क के रूप में 40,000 रूपए का भुगतान किया। इस समझौते के तहत कंपनी सेब के सिरका का निर्माण और बिक्री के लिए विश्वविद्यालय की तकनीक का प्रयोग करेगी। कंपनी के उत्पाद लेवल पर विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी का नाम लिखा जाएगा। सेब का सिरका बनाने के परंपरागत तरीके धीमी और खराब गुणवत्ता वाला सिरका देते हैं। इसके विपरीत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कई तकनीक में इन समस्याओं को दूर करने में कामयाब रहे हैं। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लगभग 5 वर्षों के शोध में सिरके और वीस वाइन के उत्पाद में पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है। व्यापक शोध कार्य के बाद एक संशोधित प्रक्रिया विकसित हुई है जिसमें तुलनात्मक रूप से कम समय और गुणवत्ता वाले सिरके का उत्पादन होता है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच सी शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय का प्रयास है कि वर्षों के अनुसंधान से विकसित प्रौद्योगिकियों का लाभ किसानों और कृषि उद्यमियों तक पहुंचे। यह समझौता इसी कड़ी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिकी हिमाचल प्रदेश में सेब उद्योग के लिए काफी लाभदायक होगी क्योंकि उत्पादन क्षेत्र में उचित प्रसंस्करण के प्रौद्योगिकी की कमी के कारण हर साल प्रदेश में निम्न ग्रेड आकार और विकृत सेब की एक बड़ी मात्रा बर्बाद हो जाती है। अभी विश्वविद्यालय के हमारा जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विभाग है उसमें डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर वी के जोशी और डॉक्टर अंजु धीमान ये वैज्ञानिकों ने जो है साइडर विनेगर जो एप्पल वेस्ट एप्पल फ्रूट से तैयार होता है इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है और ये टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है मैसर्स हिली फूड्स जिसके प्रोप्राइटर मिस्टर बी एस रावत हैं उनको ये टेक्नोलॉजी बेची है। वो हमें इसके लिए अभी तो 40,000 रुपये एज ए अपफ्रंट फी देंगे। इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से जितना भी हमारा सब जो ऑप्टिमम ग्रेड के जो हमारे एप्पल या दूसरे फ्रूट्स नहीं होते हैं वो फ्रूट्स को हम जो है प्रोसेस करके उसमें साइडर विनेगर तैयार करेंगे और ये विनेगर जो है बहुत सारे फूड और फूड प्रोडक्ट्स में उपयोगी होता है। ये हमारी दूसरी तीसरी टेक्नोलॉजी है जो हमने इसी साल जो है इंडस्ट्री को शेयर की है या बेची है।